गाई स्वागत है आपका अपने चैनल पेंथा इलेवन एस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरो लीग के रिगार्डिंग की बात करेंगे आज जो सेकंड मैच खेला जाएगा यहाँ पे ओलंपिया वर्सेस आपको इस्तांबुल के साथ ये मैच खेला जाएगा ट्वेल्व थर्टी ए एम में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज होगा मिड में यह मैच होगा गाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीजन्स में दोनों टीम की जो स्टैंडिंग है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो सबसे पहले गाइज बात करते हैं दोनों टीम की जो आज के मैच की स्टार्टिंग फाइव प्लस रहने वाले हैं इससे पहले गाइज दोनों टीम की स्टैंडिंग की हम बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओलंपियास की टीम जो है एक नंबर पे स्टार्टिंग है ट्वेंटी टू मैच में फिफ्टीन मैच जीत के आ रही है सेवन मैच इनका लॉस रहा बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके आ रही है और इस्तांबुल की बात करते हैं टेन नंबर पे स्टार्टिंग है जिन्होंने ट्वेंटी टू मैच में एलेवन मैच जीती हुई है इलेवन मैच इनका लॉस रहा और गाइस हेड टू हेड मुकाबले में बात करते हैं तो ओलंपियाज की टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है और अच्छे खासे मैच भी जीत करके आ रही है दोनों टीम की तरफ से जो आज के मैच की स्टार्टिंग फाइव प्लस रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट सेक्शन सेक्शन से आपको वी मेकिंग जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे शूटिंग कार्ड से यहाँ पे ब्लो बी स्टार्ट करेंगे और स्मॉल तो फोर्ट से गाइज बात करते हैं ई ब्रांड स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे पाव फोर्ट से गाइज बात करते हैं यहाँ पे ए एम ब्रांड रहेंगे और सेंटर से गाइज यहाँ पे डस्टन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे आउट प्लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेडली से पॉइंट गार्ड सेक्शन से आउट नजर आएंगे और ओलम्पियास की टीम की तरफ से बात करते हैं गाइस यहाँ पे पानीघाट सेक्शन से जो है वर्ल्ड कप रहेंगे जो स्टार्ट करेंगे शूटिंग गार्ड से कराने स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे स्मार्टफोट से गाइस बात करते हैं यहाँ पे पानी कोपी जो है ये स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और गाइस पावर फोर्ट से बात करते हैं यहाँ पे वेंजो कप स्टार्ट करेंगे सेंटर से एम फॉर लाने वाले आउट प्लेयर की बात करते हैं वापस आउट आउट नजर आएंगे पेटर्स एलेक पेटर्स भी आउट नजर आएंगे और सोलाकस आज के मैच में आउट नजर आएंगे यहाँ पे ओलंपिक के टीम के तरफ से अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम के तरफ से जो आज के मैच के और लास्ट मैच के जो दोनों टीम की बॉक्स करते थी उसके रिगार्डिंग बात करती ये है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बट गाइज वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले फा, फाइनल फा, फा, एसल टीम के लिए गाइज़ आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो गाइज ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले आपको फाइनल एसलैया मैच से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गाइज यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी बास्केटबॉल की टीम यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन का मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हमारी तो टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है इसलिए मिस मत कीजिएगा ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि लीजिएगाइज यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे ये लिंक जो है गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में पिन क्या मिलेगा आप डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए और प्ले कीजिए हमारी टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है अब गाइज बात कर लेते हैं दोनों टीम के तरफ से जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ओलंपियाक्स के टीम की तरफ से लास्ट में जो वैसे वन साइडेड विन करके आ रही है और इनके तरफ से वेंकोवा जो स्टार्ट किए थे थर्टी फाइव मिनट्स प्ले किए थे ट्वेल्व पॉइंट और टोल्ल रिबाउंड थे दो इनके टू वन इनके स्टील थे और यहाँ पर हम सेकेंड प्लेयर्स की बात करते हैं जो पापिनी कोलू जो है इन्होंने स्टार्ट किए थे थर्टी थ्री मिनट्स प्ले किए थे ट्वेंटी वन पॉइंट और थ्री रिबाउंड दो एन के थे गैज वर्ल्ड कप ने ट्वेंटी नाइन मिनट्स प्ले करके आ रहे ट्वेल्व पॉइंट और फाइव रिपोर्ट सेवन एस थे आईकरन की बात करते है, स्टार्ट किए थे कोई खास इनका वैसे लास्ट मैच की परफॉर्म बहुत बेहतरीन रहती है सेकेंड लास्ट में कोई खास नहीं किया था लास्ट मैच इनका अटैकिंग प्ले हुआ था ट्वेंटी पॉइंटर कनेक्ट होते थे फाइव इनका डिबाउंड था वन इन के सीज से एम फॉल जो सेंटर से प्ले करते हैं इनका जो परफॉर्म लास्ट मैच कोई खास नहीं रहा था फोर डी फोर एसिस दो इनके ब्लॉक थे वन इनके केस थे बेंच से प्ले करने आए थे यहाँ पे मैकेनियस जिन्होंने नाइनटीन मिनट्स प्ले किया था सेवन पॉइंट टू इनके डिबाउंड थे गाइज ब्लबड़ी की बात करते हैं एटीन मिनट्स प्ले किया था फोर पॉइंट फोर डिबाउंड थे और गाइज यहाँ पे लोन्टियस की बात करते हैं फिफ्टी मिनट्स प्ले करके आ रहे वन इनके पॉइंट थे टू डिबाउंड टू इनके के से अब गाइज बात करते हैं यहां पे सेकेंड टीम की तो आप यहां पे देख सकते हो सेकेंड टीम इस्तांबुल की तरफ से लास्ट में जो ऐसे विन करके आ रही है और इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आते हैं वे मिक जिन्होंने थर्टी वन मिनट्स प्ले किया था एलेवन पॉइंट वन वन फाइव एसिस के थे ई ब्रांड की बात करते हैं ट्वेंटी नाइन मिनट्स प्ले किया था सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट वन ब्लॉक वन इनकेटील थे डस्टन भी प्ले किए थे गाइस इन्होंने ट्वेंटी फाइव मिनट्स प्ले करके आ रहे ट्वेल्व पॉइंट फाइव डी वन थ्री इनके ब्लॉक थे गाइस और यहाँ पे एम ब्राइन की बात करते हैं ट्वेंटी नाइन मिनट्स प्ले करके आ रहे फोर पॉइंट टू डी वन वन ए वन ब्लॉक वन इनकेटील थे, थे आर बिनर्स की बात करते एटीन मिनट्स कर प्ले करके आ रहे हैं नाइन पॉइंट टू डी वन टू इनके बेन से प्ले

अपने टीम में गाइज इनको ट्राई कर लेना कैप्टेंसी के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले वर्ल्ड कप भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे फोरटीन पॉइंट फाइव के टीम में अवेलेबल है अपने टीम में गाइज इनको ट्राई करके जा सकते हो ई ब्रांड जो स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैसेकीस की बात करते हैं ये आपको से प्ले करेंगे अच्छे खासे परफॉर्म बना था लास्ट मैच वैसे आप इनको अपनी टीम में ट्राई करके कर जा सकते हो तो शूटिंग गार्ड से गाइज बात करते हैं यहाँ पे इस लड़किंग रहेंगे लास्ट मैच इनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा था अगर गाइज आज के मैच में ये स्टार्ट करते हैं तो बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो यहाँ पे बी की बात करते हैं ये आपको स्टार्ट करेंगे आज के मैच में अपने टीम में ट्राई कर

अच्छे बन सकते हैं लास्ट मैच प्ले नहीं किए थे टर्नर भी प्ले नहीं किए थे अब पावर से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेलकोनम जो ये आज के मैच में स्टार्ट करेंगे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ट्वेंटी क्रेडिट में अवेलेबल है ए ब्राइन भी हो सकते हैं गाइस ये आपको बेहतरीन ऑप्शन होगा नाइन क्रेडिट में अवेलेबल है ए पीटर्स आउट नजर आएंगे ड्रॉप करके चलना डस्टन स्टार्ट करेंगे आज के मैच में गाइस इनको अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो सेंटर से एम फॉल लेंगे जो आपको बेहतरीन ऑप्शन होने वाले अजीज भी आपको आज के मैच में स्टार्ट करेंगे बुलम्बरी लास्ट मैच प्ले किए थे बट इनकी भी कोई खास परफॉर्म नहीं रही थी थी ब्लैक भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते प्लेसर्स आउट नजर आएंगे अब गाइज बात कर लेते हैं टीम प्रव्यू की जो आज के मैच में हमारी रहने वाली है उससे पहले गाइज आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो गाइज ज्वाइन के लिए क्योंकि फाइनल रिजल्ट एल आएगी गाइज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री टीम होती है यहाँ पे ये यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन पे पिन किया मिलेगा जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो क्योंकि गाइज़ यहाँ पे आपको फाइनल एसल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे और गाइज आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक का पहुंच सकेगा क्योंकि गाइज़ आपको यूट्यूब चैनल पर आपको सभी बास्केटबॉल के यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे और सभी की टीम गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री टीम होती है इसलिए मिस मत कीजिएगा ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको फाइनल एसल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे अब गाइज़ बात करते हैं सेट टीम प्रिव्यू की जो आज के मैच में हमारी रहने वाली है गई सेटिंग की हम बात करते हैं तो सेटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो लिया हुआ है पॉइंट गेट सेक्शन से मैंने मिकिक को एज ए एस ट्राई किया जो आपके लिए अच्छे ऑप्शन होने वाले वर्ल्ड कप जो स्टार्ट करेंगे और कनन को तो गाइस वैसे मैंने अपने टीम में पिक किया हुआ है यहाँ पे रहने वाले वीडियोस जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे क्लाइबन आपके लिए पीपी के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा जो क्लाइबन के साथ जा सकते हो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है और गाइज़ यहाँ पे ए ब्रांड स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे डस्टन आपको स्टार्ट करेंगे और गाइज यहाँ पे एम फॉल के साथ जा सकते हो जो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है वैसे गाइस ये हमारी सेट टीम है सेट करके रखना फाइनल टीम आएगी गाइज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन पर पिन का मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो और गाइस आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट पैंथर विदिन